मैं हूँ रंजन पात्र। मेरे पास एक है रेडमी Y2K की हैंडसेट है। तो अभी मैं उसका जो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उसका जो प्रॉब्लम है ये, उसको फ़ोन को ऑन करने के बाद ये रिकवरी मोड पे चला जाता है। तो ये देखिए, मैंने उसको, मेरे तो बैटरी थोड़ा स्लो है तो मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। तो उसका देखिए ये रेडमी शो करा है और उसका तो ये फ़ोन ऑटोमेटिक रिकवरी मोड पे आ जाएगा, ये देखिए। तो उसका सॉल्यूशन है, उसको हम फ्लैशिंग करेंगे। तो कैसे उसको फ्लैश करेंगे वो बार डिटेल्स पे बताएगा। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा था एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलता हमारा PC पे, तो उसको मैं डिसकनेक्ट कर लेती हूँ और उसकी जो बैटरी पॉइंट है उसको मैंने रिकनेक्टिंग भी कर लेती हूँ। तो चलता हमारा PC पे। तो PC पे ये देखिए, तो अभी मैं जा रहा हूँ गूगल पे और यहाँ पर दोस्तों देखिए, गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ सर्च करना है रेडमी Y2 फ्लैश फाइल। तो ये देखिए, यहाँ पर ये इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो है तो इसलिए ये उसको, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये अभी आ चुकी है। यहाँ पर लिखा है रेडमी Y2 फ्लैश फाइल, यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने का यहाँ पर शो करेगा कैप्चर वेबसाइट। उसके बाद जो वेबसाइट टॉप पे होगा, ये टॉप पे तो RepairMeWorld.co है, तो उसको भी आप क्लिक करेंगे। रेडमी S2 या Y2 की फ्लैश फाइल है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने का ये जो 12L का जो वर्सन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये जो 12L का वर्सन, ये उसके लेटेस्ट वर्सन, तो क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको उसका जो फ्लैश फाइल तो मैंने ऑलरेडी उस पर डाउनलोड करके रखा हूँ। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो फ्लैश फाइल को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा, देखिए एक्सट्रैक्ट करना होगा। और उससे पहले आप फ़ोन को PC से कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए क्वालकॉम की ड्राइवर चाहिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दिया हूँ। तो आप उस ड्राइवर को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये अभी आपकी जो फ्लैश फाइल है वो अभी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर जाकर आप मैनेज पे क्लिक करना है। तो माई कंप्यूटर जाकर मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपकी डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आप वो डिवाइस मैनेजर को क्लिक करेंगे, तो ये देखिए, ये आपके सामने आपकी डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन आ चुका है। और एक बात मैं ध्यान रखना जरूरी है कि दोस्तों, आपको जो क्वालकॉम की USB ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपकी डिवाइस मैनेजर आ गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, आप तो मोबाइल को रिकनेक्टिंग उसकी जो बैटरी को कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो TP पॉइंट है, यहाँ पर जो TP पॉइंट दोनों है उसको शॉर्ट करके आपको USB केबल कनेक्ट करना है। तो USB केबल कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी क्वालकॉम USB ड्राइवर शो करेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने उसको फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ कैसे, देखिए ये मेरा डाटा केबल। और उसके बाद ये जो दोनों TP पॉइंट है उसको मैंने शॉर्ट किया और यहाँ पर कनेक्ट किया। तो ये मेरा जो ड्राइवर है अभी इंस्टॉल ले जाएगा और मेरा फ़ोन क्वालकॉम की कनेक्ट भी हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, मेरा फ़ोन अभी कनेक्ट हो गया।
तो मैं चलता हूँ मेरा पीसी पे। तो पीसी पे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वालकॉम एचएसबी क्यूलोरो 900 पोर्ट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और उसको मैं अभी मिनवेज कर लेती हूँ और यहाँ पर मेरा फास्ट ट्रैक भी स्टार्ट भी हो चुका है। उसके बाद मेरा मैं अभी जाऊँगा अनलॉक टूल पे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये अनलॉक टूल आने के बाद अनलॉक टूल आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है एमआई पे और एमआई पे क्लिक करने के बाद एमआई फास्ट को भी आप क्लिक करें। एमआई फास्ट को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये आपकी मॉडल, तो यहाँ पर आपको चूज करना है एमआई Y2। नहीं तो आप इस तरह देखिए फुल फ्लैश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 9008 पोर्ट क्लिक ऑलरेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर 9008 पोर्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद सर्वर पे क्लिक किया और सिलेक्ट मॉडल पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए रेडमी Y2, मैंने Y2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम भी क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक किया, लोड फाइलर तो उस पर क्लिक किया। उसके बाद डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। डेस्कटॉप जाने के बाद मेरा जो एक्सचार्ट फाइल था वो कहाँ पर है, मैं वो फाइल के अंदर जा रहा हूँ। ये है उसकी एक्सचार्ट फाइल, फ्लैश फाइल है। ओपन करता हूँ, इमेज ओपन करता हूँ और फाइलर्स को मैंने यहाँ पर लोड देता हूँ। ये फाइलर्स ओपन हो चुका है और उसके बाद ऊपर ये जो फोल्डर का जो टिक लगे उस फोल्डर पर क्लिक कीजिए और आप बैग में जाइए, वो जो फिर से बैग जाइए और देखिए उसके जो फ्लैश फाइल का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ उसके बाद इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ और उसको भी लोड में दे रहा हूँ। तो इमेज पर लोड देने का तो यहाँ पर कैपेसिटर आपकी जो फ्लैशिंग का जो ऑप्शन है ये अभी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देखिए ये आपकी पोर्ट देखिए कॉम 8 क्वालकॉम एचएसबी क्यूलोरो, यहाँ पर आपको पोर्ट सर्च करना है क्योंकि ये यहाँ पर देखिए मेरा पोर्ट है कॉम 8 पोर्ट, तो यहाँ पर भी सर्च करना है कॉम 8 पोर्ट 900 पोर्ट। तो उसके बाद यहाँ पर फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे इंटेल फ्लैश, ये देखिए आपको फोन अभी फ्लैशिंग शुरू हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दे। ये देखिए आपको फ़ोन अभी फ्लैशिंग आ रहा है और स्कूल टाइम भी लगता है फ्लैशिंग होने के लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए अभी फोन अभी फुल फ्लैश हो रहा है। ये देखिए ये आपके जो फ्लैशिंग कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पर 66% भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपकी फ्लैशिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मेरे जो फ़ोन ये भी देखिए ऑटोमेटिक फ़ोन रीबूटिंग भी ले गया।